तो हेलो गाइस, सभी को राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ आपके इंस्टीट्यूट चैनल पी एन टेस्ट में। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी भाई बढ़िया होंगे, सभी भाई के सारे ही पाल जुआन बढ़िया होंगे और सभी भाई अपने अपने शौक को बहुत अच्छे से पूरा कर रहे होंगे। तो भाई लोगों, जैसे कि तुम्हारे भाई ने यार वादा किया था कि आप लोग कमेंट करो अगर मुझे वाजिश लगेगा तो भाई उस पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आप में से किसी एक भाई का यार कमेंट आया था, ये आप पढ़ सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो उसी के ऊपर है, ठीक है। तो भाई का कमेंट आप पढ़ सकते हो कि भाई ने लिखा था कि यार मेरे कबूतर के पर आप कितने दिन में आएंगे। तो भाई आज की वीडियो ना पूरी उसी के ऊपर होने वाली है, ठीक है। वीडियो एंड तक देखना, छोटी सी वीडियो है मगर पूरी नॉलेजेबल वीडियो है, ठीक है भाइयों। तो एंड तक वीडियो देखिएगा, अगर वीडियो अच्छी लग जाए ना तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन आइकन दिख रहा होगा उसको प्रेस लेना ताकि हमारी बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आप ले पहुंच सके। तो भाई लोग, हम लोग आ चुके हैं जाल के अंदर और मेरे सारे कबूतर भाई देखो बैठे हुए हैं, ठीक है। भाई का कमेंट आप लोगों ने पढ़ ही लिया। अब मैं सबसे पहले तो आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, ठीक है। जिन भाइयों ने अभी तक पर नहीं खींचे हैं, ठीक है, वो भाई अगर आप पर नहीं खींचोगे, आपने मान लो पर काटे हुए हैं, कैची से आपने काट दिए हैं, अगर पर आप नहीं खींचोगे तो भाई पर बिल्कुल सही से आएंगे नहीं, ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपका कबूतर उड़ेगा नहीं सही से, ठीक है। आपको पहले वो जो काटे हुए पर है ना वो आपको पहले खींचने पड़ेंगे। और जिन भाइयों ने पर खींचे हैं, ठीक है, उनका मैं अभी आपको सोल्यूशन बता देता हूँ भाई कितने दिन में पर आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं अपने आप कबूतर दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, सारे कबूतर हैं, इनमें मैंने जितने भी गर्दान कबूतर थे ना, जितने पुराने कबूतर थे भाई, उनके पर खींचे थे। मैं आपको सैंपल के रूप में आपको दिखाता हूँ भाई। ये सिराजी कबूतर आप देख सकते हो, ठीक है, इसके मैंने पर खींचे थे, आप देख सकते हो। मैंने आखिरी के तीन कलियाँ खींची थी। अगर वाली वीडियो नहीं देखी ना तो भाई आई बटन पर लिंक आ रहा है, जाके यहाँ वाली वीडियो देख लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने तीन पर लास्ट के खींचे थे और बाकी सब ये कबूतर अपने आप झाड़ के लाए हैं, ठीक है। तो भाई इस कबूतर को लेके आते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं कि पर कहाँ से कैसे आए हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। तो भाई ये है हमारी भाई सिराजी कबूतरी, ठीक है, ये हमारी गर्दान कबूतरी है। सबसे पहले तो भाई मैं इसका शौक करा देता हूँ, और बहुत ही ज़्यादा पुरानी कबूतरी है, ठीक है, बेफड़क भाई हमारी ये कबूतरी लड़ती है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो इसका शौक कर लो भाई, कबूतर का स्ट्रक्चर देख लो भाई, काफ़ी ज़्यादा अच्छी कबूतरी है ये देखो, ठीक है, बबरापन लिए है परों में और काफ़ी ज़्यादा यार उड़ने में भी अच्छी लगती है। सिराजी कबूतर तो आपको लोगों को पता ही है कितने अच्छे लगते हैं उड़ने में, ठीक है। और ये देखो भाई आँख देख लो भाई, इसकी मको आँख की है, ठीक है, ये देखो भाई दोनों तरफ की आँख दिखा देता हूँ। ये देखो भाई दोनों तरफ की मको आँख क्या है, ठीक है, कबूतरी, ठीक है। और ये है भाई मादा, सॉरी नरपट है, ठीक है, मैं मादा कहने जा रहा था, ठीक है, ये भाई नर है, ठीक है। और जिसकी वजह से जो मादा है ना वो आपने देख ही लिया है, अंदर है, ठीक है, जरूरत बन से जोड़ा खाता रहता है, ठीक है। तो भाई ये सबसे अच्छी कबूतरी है भाई, इसके मैंने पर खींचे थे, मैं आपको दिखा देता हूँ भाई पर। ये देखो भाई इसके पर, ठीक है, ये मैंने आखिरी के सारे जितने भी गर्दान कबूतर थे ना, अभी तो भाई सब के सब दिल्ली पहुंच गए हैं, ठीक है, आधे ज़्यादा, अगर मेरे पास कुछ बचे हैं ना कबूतर, उनमें से मैं आपको एक ये कबूतर है, ठीक है, वो दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये भाई देखो नवीं, दसवीं और आठवीं कली, ये भाई तीन कली लास्ट की खींची थी मैंने, दोनों तरफ की, मैं इस पर इस तरफ की भी खींची थी, देखो इस तरफ की भी पूरी आ गई है, बिल्कुल नई है, आपको अलग से मालूम पड़ ही रहा होगा कौन सी नई है कौन सी पुरानी है, ठीक है। और ये देख सकते हो भाई, ये जो सातवीं कली है ना, ये आप देख रहे हो, ठीक है, ये अभी कबूतरी झाड़ के लाई है, ठीक है, मैंने सिर्फ आगे की तीन पर खींचे थे, ठीक है, और बाकी कबूतरी अपने आप झाड़ के लाई है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो भाई अभी तक आप लोगों ने पर नहीं खींचे हैं तो भाई खींच लो, वरना भाई मत करो, अपने आप कबूतर को यार पर झाड़ के लाने दो, अगर आपने अभी तक नहीं खींचे हैं, अगर खींचना है तो अभी खींच दो भाई, अभी तो टाइम है यार, सीजन आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम है भाई। मैंने तो खींचे थे, देखो मेरे सारे कबूतर पे पर आ गए हैं, ठीक है, अभी मजबूती आने में भी टाइम लगेगा थोड़ा सा। अब मैं आपको प्रॉपर बता देता हूँ भाई कितना टाइम लगता है, ठीक है। अब मैं इसको कबूतरी को अंदर छोड़ देता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ कितने दिन लगते हैं भाई कबूतर के पर आने में, ठीक है। ये मैंने कबूतर के पर खींचे थे, ठीक है, अभी देखो भाई तीन कली खींची थी ना, अगर मैंने सारे खींचे होते तो मुश्किल से मुश्किल भाई 40 से 45 दिन लगते मजबूत पर आने में, ठीक है, 40 से 45 दिन में आपके कबूतरी के ना मजबूत पर आ जाते हैं, ठीक है। देखो भाई मैंने अभी कबूतरी को मैं पकड़ता नहीं हूँ, और देखो भाई पकड़ देता हूँ ना तो भाई देखो पर कैसे हो जाते हैं यार, बहुत गंदे संदे लग जाते हैं, इसलिए कहता हूँ कि बार बार अपने कबूतर को ना पकड़ो, और कबूतर की जो सनक होती ना वो भाई खत्म हो जाती है, अगर आप बार बार कबूतर को पकड़ रहे हो ना तो भाई उनकी सनक खत्म हो जाती है। मान लो वो कबूतर आपका किसी सैदीवाल के यहाँ बैठ गया, बिल्कुल सनक ही नहीं रहा है, तो सैदीवाल तो आराम से पकड़ ही लेगा ना, इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ भाई बार बार अपने कबूतरों को ना पकड़ा करो, ठीक है। ये देखो भाई मेरा सिराजी, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया भाई, अगर आपने कबूतरों के सारे पर खींचे ना तो भाई अगर आप सारे पर खींच रहे हो ना तो मान के चलो भाई 40 से 45 दिन लगेंगे आपके कबूतर के सारे पर लगाने में, ठीक है, और बिल्कुल मजबूती आ जाएगी और बहुत ही अच्छे पर आएंगे अगर आपने खींचे हैं तो, ठीक है। अगर आप नहीं खींचते हो तो एक एक करके वो कबूतर झाड़ेगा, ठीक है, अगर आपको देखना पड़ेगा कि यार किसने कबूतर ने झाड़ा कि नहीं झाड़ा। देखो भाई अभी एक जरूरतमंद ने अभी एक पर गिराया है, ये देखो भाई अभी अभी जस्ट एक पर गिराया है, ये जरूरतमंद ऊपर गई है ना, इसने अभी अभी एक पर गिराया आपके सामने,
ठीक है, तो इसका ये देखो पर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोगों को करना पड़ेगा, लो अभी तो सीजन आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम है, ठीक है, तब तक आपके कबूतर के पर भी आ जाएंगे, आपका कबूतर तैयार भी जाएगा। अभी कुछ लोगों का कबूतर तैयार भी हो गया होगा, वो उड़ाने भी लग गए हैं, ठीक है। मेरे अपनी जगह की बात करूँ, देखो भाई मेरे आस पास भी ना कबूतर उड़ने लगे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर कोई उड़ रहे होंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। वो देखो भाई, वो देखो एक टोकी उड़ रही है, वो देखो दिख रही, ठीक है। तो ये भी भाई इनके कबूतर तैयार हो गए हैं, देखो भाई कितने ऊँचे उड़ रहे हैं कबूतर इनके, और आसपास के काफ़ी लोग यार कबूतर उड़ने लगे हैं, हमारे भी कबूतर उड़ने लगे हैं, काफ़ी दूर दूर तक जाने लगे हैं, ठीक है। अभी कबूतर जितने हमारे पुराने कबूतर हैं ना, ठीक है, अब उनको रोक लेते हैं, जो हमारे नए कबूतर हैं उनको अभी बाहर खोलने लगे हैं, ठीक है। अभी कल की कल या परसों कब की बात थी, कल या परसों की बात थी, परसों की बात थी भाई, वो टावर दिख रहा है ना भाई, उसके भी आगे हमारे कबूतर चले गए, ठीक है, उसके भी आगे हमारे कबूतर चले गए थे, फिर सारे के सारे भाई वापस आ गए, ठीक है। और भाई देख सकते हो आज के अगर मौसम की बात करो तो भाई देख सकते हो मौसम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। आजकल ऐसा ही मौसम है ना, तो कबूतर ठंडक में ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करता है, मैंने ज़्यादातर देखा है, आप लोगों ने भी ज़्यादातर देखा होगा, गर्मी में इतना ज़्यादा काम नहीं करेगा, मगर जो ठंडक होती है ना, जब ठंड का मौसम होता है तभी तो कहते हैं ना गोला कबूतर का, भाई जो भी कबूतर होते हैं गोला कबूतरों का भाई सीज़न होता है ठंड में, ठीक है, ठंड में बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ भी होती है, तभी तो बोलते हैं भाई कि यह सीज़न आने वाला है तो कबूतर की तैयारी करने लगो, ठीक है। तो भाई इसीलिए दिल्ली वाले भी ले गए हैं, आप सभी को पता ही है, ठीक। तो भाइयों उन भाई का जवाब तो मिल ही गया होगा, ठीक है, 40 से 45 दिन लगेंगे आपके कबूतर के पर आने पर, ठीक है, अगर आपने खींचे हैं तो, अगर आपने नहीं खींचे हैं तो भाई खींच दो, अगर आपने कैचेस के कबूतर के पर काटे हैं तो भाई उसके पर खींच देना, उसके बाद ही आपके कबूतर के नए पर आएंगे, जिससे आपका कबूतर बहुत ज़्यादा अच्छी परगत दे पाएगा, ठीक है। तो भाई बस आज की वीडियो में बताया था, आई होप सो लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन आइकन दिख रहा होगा उसको प्रेस कर लेना, ताकि हमारी बेहतरीन वीडियो को आप जल्दी ले पा सके। और हाँ भाई, ये देखो तुम्हारे भाई की इंस्टाग्राम की आईडी आ रही है, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कुछ भी दिक्कत परेशानी आ रही हो तो अपने भाई को एक बार संपर्क जरूर करें, ठीक है। तो भाई मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टाटा टिल देन, गुड बाय बाय बाय।